हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है सबका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं बहुत सारी रोशनी। जी हाँ, मतलब रोशनी का डब्बा वही बोलते होंगे हिंदी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं घर पे। सॉफ्ट बॉक्स बड़े महंगे आते हैं, इतने सस्ते नहीं आते हैं। मैंने जब चेक किया था ऑनलाइन तो कितने कहते हैं 4,500 के शायद। मैंने ब्लॉग भी बनाया था उसके ऊपर, मेरा दूसरा चैनल ब्लॉग चैनल, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप आउटडोर शूट करें, आपको इंडोर भी शूट करना पड़ता है और उसके लिए आपको बहुत सारी लाइट चाहिए। तो फटाफट देखते हैं कैसे बना सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स। तो ये सॉफ्ट बॉक्सेस, और मैंने दो सॉफ्ट बॉक्सेस बनाए हैं और दोनों को मिला के मेरा थोड़ा सा खर्चा हुआ है 1,000 रुपये का, क्योंकि मैंने इस पर स्टैंड के लिए पाइप्स मंगे, पाइप्स लिए थे पीवीसी पाइप्स। और मैंने एक गलती कर दी, मैंने बहुत ज़्यादा मजबूत पाइप ले लिए जबकि इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप पतले पतले पाइप्स खरीद सकते हैं जो कि बहुत चीप मिल जाते हैं, ये थोड़े महंगे पड़ गए मुझे। एनीवे शुरू करते हैं। तो ये सॉफ्ट बॉक्स मेरा, तो ये सॉफ्ट बॉक्स आप देख सकते हैं कितनी, बंद हो गया। तो ये सॉफ्ट बॉक्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट आ रही है इससे फेस पे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, फटाफट से बनाते हैं सॉफ्ट बॉक्सेस और आप बहुत जल्दी बना सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। सो सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए सीजर, कार्डबोर्ड कटर, 30 सेंटीमीटर का रूलर, ग्लू, टेप, एक अच्छा लंबा वायर, बल्ब होल्डर, एक एलईडी बल्ब 15 वाट का लिया है मैंने इसमें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, एक ग्लू गन नई भी है तो भी चलेगा, ब्लैक शीट्स, फॉइल पेपर, 2 पिंस, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, ये भी ज़रूरी नहीं है, मार्किंग करने के लिए पेन या पेंसिल, मैं पूरा किट ले आया हूँ। कोई नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगा। एक वाइट कपड़ा, कार्डबोर्ड शीट्स, ये सारे सामान आपको स्टेशनरी पर मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आपको अपनी पेंसिल को तीखा ना, सबसे पहले आपको अपने कार्डबोर्ड पर मार्किंग करनी है। आप एग्जैक्ट मैंने जो साइज में बनाया है वही बनाना चाहते हैं तो ये रे सारे डायमेंशन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इस साइज में आप कट कर सकते हैं। सो ऐसे आपको 4 सेम पीसेस कट करने हैं। उसके बाद आपको बेस कट करना है, वो भी स्क्वायर में कट करना है, 18x18 सेंटीमीटर का। 2 बनाने हैं, एक बॉक्स में 2 लगेंगे क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको 2 कार्डबोर्ड को मिक्स करना है। आपको ग्लू लेना है और एक साइड फॉइल पेपर लगाना है इसी साइज का और दूसरी साइड आपको ब्लैक शीट लगानी है इस तरह से। याद रखना अगर आप ये जो साइड वाली छोटी एज है अगर आप राइट साइड में रख रहे हैं फॉइल पेपर लगाने वाली साइड में, सो मेक श्योर आप बाकी के जो 3 पार्ट्स है उनमें भी आप ये राइट साइड में ही रखें। जब आप फॉइल पेपर इस साइड लगा रहे हैं तो मेक श्योर आप छोटी वाली साइज राइट साइड में हो। नेक्स्ट स्क्वायर के बीच में हमें एक होल करना है बल्ब होल्डर की साइज का, दोनों स्क्वायर में होल करना है और फिर दोनों को ग्लू से एक साथ चिपका देना है और फिर एक साइड आपको फॉइल लगाना है और दूसरी साइड आपको ब्लैक शीट लगानी है। मैंने ग्लू से चिपकाने के बाद सारे एज को टेप से भी अच्छे से टाइट कर दिया ताकि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाए। नाउ आपको ये सारे पीसेस एक एक करके जोड़ने हैं ग्लू से या टेप से, किसी से भी, बट मेक श्योर ये बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। ऑल्सो ग्लू या टेप लगाने में आप कंजूसी ना करें बिकॉज इन सबको अच्छे से चिपकाना जरूरी है ताकि तभी आपका बॉक्स स्ट्रॉन्ग बनेगा, अदरवाइज ये थोड़ा टाइम बाद हिलने लग जाएगा। तो चारों शीट्स उसमें एक साइड की जो एज है वो छोटी है, वो छोटी एज आपको दूसरी शीट के ऊपर लगानी है और उस तरह से चिपकाना है आपको बिल्कुल इसी तरह से, और ऐसे करके आपको चारों पीसेस चिपकाने हैं और एक बॉक्स बना देना है बिल्कुल इसी तरह से। नाउ आपको जो स्क्वायर बेस है उसके अंदर आपको बल्ब होल्डर को चिपकाना है, उससे पहले आपको बल्ब होल्डर के अंदर वायर लगा देना है। और अगर आपने 2 पिन पहले ऐड कर दिए वायर में तो आपको इस होल से पहले उस 2 पिन को बाहर निकालना है और फिर आपको बल्ब होल्डर लगाना है और इस बल्ब होल्डर को बहुत अच्छी तरह से आपको इसके अंदर चिपकाना है। आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह से इसको चिपकाओ बट मेक श्योर इसको बहुत अच्छी तरह से चिपकाओ बिकॉज इसके ऊपर बल्ब का भी वेट रहेगा और इसके ऊपर पूरा सॉफ्ट बॉक्स का वेट इसी पे रहेगा तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से चिपकाना है। बल्ब होल्डर चिपकाने के बाद जो पूरा स्क्वायर बेस है वो आपको बॉटम में लगाना है सॉफ्ट बॉक्स के। जो शीट्स के अंदर बॉटम में हमने एक्स्ट्रा एज रखी थी उन सारी एजेस को आपको इस तरह से घुमा देना है और इसके ऊपर आपको स्क्वायर बेस रखना है और इसको अच्छी तरह से ग्लू गन से चिपका देना है। मैंने इसके अंदर ग्लू गन यूज़ किए, टेप यूज़ किए, फेविकोल यूज़ किया, सब कुछ यूज़ करके अच्छे से टाइट चिपका दिया ताकि ये बिल्कुल लूज ना हो और बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका। और फाइनली जब आप इसको ऑन करेंगे तो फॉइल पेपर के रिफ्लेक्शन से बहुत ही अच्छी लाइट आएगी और फाइनली आप इसके ऊपर वाइट कपड़ा चिपका सकते हैं इसकी लाइट को थोड़ा डिफ्यूज करने के लिए। और अगर आप नहीं भी चिपकाएंगे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली सॉफ्ट बॉक्स बन चुका है, अब इसका आप स्टैंड भी बना सकते हैं। इसका स्टैंड आप पाइप से बना सकते हैं। सो ये कुछ शॉट्स हैं मेरे व्लॉग के, आप जाके मेरा व्लॉग देख सकते हैं कैसे मैंने पाइप से स्टैंड बनाया है बहुत ही इजी तरह से और 10 मिनट में बन जाएगा आपका स्टैंड। बट मेक श्योर आप थोड़े सस्ते पाइप लें, मैंने बहुत महंगे वाले पाइप ले लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप है ये जबकि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही लाइट वेट पाइप चाहिए आपको। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, ब्लॉग का देख सकते हैं और उसमें आपको पता पड़ जाएगा कैसे बनाते हैं। सो देखा आप सबने कितना इजी है सॉफ्ट बॉक्स बनाना, आप भी बना सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स बहुत इजीली। सो दिस इज इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करवा दो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। पीस, शांति बनाए रखें, बाय।